अध्यादेश में हुआ बदलाव तो फूटा केजरीवाल का गुस्सा। अध्यादेश को लेकर लगातार आप और बीजेपी के बीच तकरार जारी है। संसद में इस अध्यादेश पर हर दिन हंगामा हो रहा है। अब ऐसे में आम जनता के लिए सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि 19 मई को लाया गया अध्यादेश और अब इस नए अध्यादेश में क्या क्या चीजें बदली हैं। ये सब आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद यानी 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को वापस दे दिया गया। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। हालांकि इस बिल की तुलना 19 मई के अध्यादेश से करें तो केंद्र सरकार ने इसमें कई अहम बदलाव किए हैं। संसद में जो विधेयक पेश हुआ है और केंद्र सरकार जो अध्यादेश पहले लाई थी उसमें 4 बड़े फर्क हैं। अब इस अध्यादेश में क्या क्या बदला है मैं आपको समझाती हूँ। पहली चीज, विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देने वाला सेक्शन 3A हटाया। जी हाँ, सेक्शन 3A जो अध्यादेश का पहले हिस्सा था उसे अब विधेयक से हटा दिया गया है। नंबर 2, सालाना रिपोर्ट पेश करना अब अनिवार्य नहीं, जबकि वही पिछले अध्यादेश के तहत NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी था। हालांकि इस नए विधेयक से इस अनिवार्यता को हटा देता है, जिससे रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। नंबर 3, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं। प्रस्तावों या मामलों से संबंधित आदेशों निर्देशों को केंद्र सरकार को भेजने की अब अनिवार्यता यानी जरूरत वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। नंबर 4, नियुक्तियां और तबादले NCCSA समिति करेगी। विधेयक में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत अब NCCSA समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां और तबादले करेंगे। इस समिति में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे और उसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन इन तमाम बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है, यहाँ आसानी से ये बिल पारित हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश बिल को पारित करवाना थोड़ा मुश्किल होगा और यहीं पर केजरीवाल की जीत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन है। फिलहाल आज का मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।